वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत इंटरेस्टिंग मसाला छोले की रेसिपी, जिसे हम कुलचे के साथ, पूरी के साथ, भटूरे के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ खाते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये ले लिए थे छोले जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अब इस छोले के अंदर जब मैं इसे कुकर में बॉईल के लिए डालने वाली हूँ, तो मैं कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड करती हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कुकर में ऐड कर दिए थे मेरे ओवरनाइट भीगे हुए छोले। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा जो था, एक चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड करा था, एंड द रीज़न वॉज कि जल्दी कुक हो जाए। फिर इसमें मैंने डाला थोड़ा गरम मसाला, उसके बाद थोड़ा सॉल्ट, अगेन थोड़ा स्पीडली वो बॉयल होकर अच्छे से कुक हो जाए जल्दी। फिर मैं काले छोले बनाने वाली थी, तो मैंने एक चाय पत्ती जो है उसमें ऐड करके डाल दिया। अब मैंने इसकी ग्रेवी की तैयारी की, जिसके लिए मैंने लिए कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ली थी, अदरक लिया और लहसुन लिया। मिक्सी में सब कुछ डाल दिया सीधा। तो मैं एकदम पेस्ट वाले छोले बनाती हूँ, बारीक काट के नहीं बनाती हूँ, इस तरह से बनाती हूँ। एक बार मिक्सी चली, सब कुछ पिस गया। बेसिकली ये बहुत क्विक वर्जन हो गया वापस से, इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और घी इसको मिक्स करा, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला। जीरा डालने के बाद हल्की सी हींग डाली, और जो मेरा मिक्सचर पिसा था मिक्सी में, मैंने उसमें ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर कुक करना है। नाउ मेरे पास थोड़ी सी मलाई पड़ी थी जो ऑप्शनल है, तो मैंने उससे मलाई पड़ी, थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी। उसके बाद थोड़ी देर बॉयल होने देंगे, थोड़ा बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने हल्दी ऐड करी, उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, उसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी मिर्च, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी मिर्च गर्म मसाला है तो ध्यान से डालेंगे, उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर फाइनली हम इसे हल्का सा और गरम मसाला डाल देंगे। बस ये ध्यान रखें कि छोले में भी हमारे पास गरम मसाला है, पेस्ट में भी हरी मिर्च है, लहसुन है, तो स्पाइस थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे। फिर हमने जो छोले भिगोए थे पानी के साथ, पानी नहीं फेंका है मैंने, पानी के साथ जो मेरे छोले थे मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि पानी बेसिकली कलर लाने में हेल्प करेगा। उसको अराउंड 10 to 15 मिनट्स बॉईल किया, छोले रेडी। अब एक फाइनल टेम्परिंग जो होती है ऊपर से, उसके लिए मैंने घी ले लिया था एक छोटी सी कढ़ाई में, उसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च काट के हल्का सा तड़का दिया, इस तरह से तड़का, एक छोटा सा तड़का बना दिया। उसके बाद इसमें डाला, फाइनली वो तड़का डालने के बाद हम देंगे कोरिएंडर, धनिया, फ्रेश धनिया लेंगे, फ्रेश धनिया को काट के उसे टेम्पर कर देंगे। हमारे मसाला छोले एकदम तैयार है। आप देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, जो ऊपर से घी का ग्लेस आता है, जो ऊपर की टेम्परिंग होती है, धनिया, फ्रेशनेस, ये अपने आप में इतने टेस्टी दिखते हैं ना कि आप मतलब देखते ही आपको लगे यार तुरंत खा लो। तो ये रेसिपी एक ऐसी है जो बहुत क्विक होती है। आई थिंक मैंने जब इसको बनाया, इसको बनाने के लिए मुझे हार्डली 30 मिनट्स लगे। 30 मिनट्स में इतना शाही टाइप का सब्जी बन जाना इज़ अ गुड थिंग। गेस्ट आ रहे हैं तो फटाफट आप ये चीज़ बना के रख सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करिए। और ऑप्शंस बहुत सारे हैं इसको, ब्रेड के साथ, कुलचा, पराठा, भटूरा, पूरी, बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा टर्न आउट हुआ है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा आप लोग सब।